मैं बहुत फोरम्स पे ना ये बोलती हूँ और खवातीन हमेशा मेरे खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि वो डॉक्टर के पास जाके कहती हैं जी ऐसी खांदे बिंदे कुछ नहीं, साडा जिस्म फुले है हवा पर ही। पीसीओएस जो है वो डायबिटीज की फर्स्ट कजन है। ठीक, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मैं इसको जरूर मानता हूँ, मगर फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि मर्दों की मंजी ठोकने पे हम लग जाएं। पीसीओएस के साथ पहली बात तो आप कंसीव कर ही नहीं सकते कि 52% ऑफ पाकिस्तानी वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। यस, एशिया में नंबर वन ब्रेस्ट कैंसर में, और 25% जो है पाकिस्तान की वुमेन दे आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर। बात करें तो उसके ऊपर तो मैं बीसियों चीजें गिनवा सकती हूँ जो हम दिन में यूं ही खा जाते हैं, जिस पे डॉक्टर अफान साहब भी मशहूर हो गए थे, उन्होंने समोसा भी जा रहा हमारा पोन दिया था कि इसलिए कहते हैं कि आईक्यू और अकल सेंस जो है एक्विजिशन की स्पीड जो है वो आपको मदर से आती है, फादर से नहीं आती। अच्छा, तो आप उतने इंटेलिजेंट होगे जितनी यानी बीवी सियानी ढूंढे हम अपने लिए। बीवी सियानी ढूंढे, और अगर एक सियानी ना हो तो दूसरी भी ढूंढे, चार हो तो ज्यादा ज्यादा सियानी बच्चे। भाई भाई आगे ये बात कहना तो इन्होंने मान ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू एफ के पॉडकास्ट। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो बहुत यूनिक है, और वो सब्जेक्ट है औरत। औरत के बारे में ना बहुत ही दुनिया ने डिफरेंट और बड़ी बड़ी यूनिक बातें की, मगर मैं बताता हूँ कि मुझे सबसे फेवरेट बात जो है ना औरत के बारे में क्या मैंने पढ़ी और क्या लगी। रोजवेल्ट जो था अमेरिका का 32nd प्रेजिडेंट था, उसकी वाइफ ने जो फर्स्ट लेडी थी मिसेस रोजवेल्ट, उसने एक बात कही औरत की डिस्क्रिप्शन के बारे में कि औरत एक टी बैग की तरह, उसे आप गर्म पानी में डालें फिर मैं बताऊंगी मैं कितनी स्ट्रांग। तो औरत कितनी स्ट्रांग है भाई, इसकी एक एग्जांपल आज मेरे साथ मौजूद है। एवरीबॉडी प्लीज वेलकम मिस सना खान। सना कैसी? थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी वेरी हम्बलिंग इंट्रोडक्शन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई ऐसा वैसा नहीं। सना ये बताएं कहाँ गायब हैं आप इतने अरसे से? गायब तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली वर्किंग। लेकिन आज आपने जब पूछा ना यहाँ पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कि आप क्या हम किस किस एंगल को एक्सप्लोर करेंगे, सही है, तो टुक मी बैक इन 2012। अच्छा, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ कंपटीशन जिसमें कुछ आपने लिखना था कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। सही है। तो मैंने उसमें लिखा कि अगर मुझे कुछ करने का मौका मिले तो मैं पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग इकोसिस्टम या एक जो माइंड सेट है ना उसको बदलने के लिए किसी भी ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे काम करूंगी। You were student at that time. I was a university student. Right. And it was a public university. और पब्लिक यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए मेंशन किया कि उसमें बहुत ज्यादा माइंड सेट के ऊपर ना बात की जाती है ना काम किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली उसमें आपका सिर्फ एक सिंगल ट्रैक माइंड होता है आपका, आपका गोल ये होता है कि आपने मिड टर्म देने हैं, फाइनल टर्म देने हैं, असाइनमेंट्स पास करनी है, अपने नंबर लगवाने और सेमेस्टर अगले में प्रमोट हो जाना है। तो इसलिए मैंने ये स्पेशली बात मेंशन की। और उस टाइम पे जब मैंने ये गोल लिखा तो मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ये करना कैसे है, बिकॉज देयर वाज नो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक माइलस्टोन दैट आई वाज ट्राइंग टू अचीव। देयर वाज नो माइलस्टोन एट ऑल एट दैट टाइम। द डिग्री दैट आई वाज डूइंग हैड वेरी लिमिटेड स्कोप इन पाकिस्तान। आइदर बायोलॉजी के बाद आइदर यू बिकम अ टीचर और very क्या less likely so. क्या पढ़ा था? I was doing MPhil, actually I was doing honors at that time in biodiversity और उसका majors जो था वो animal sciences था। तो पाकिस्तान में animal sciences की degree लेके दो तीन बहुत limited options हैं, very less likely so कि आप researcher बने। वैसे ही उसकी जो positioning है डंगर डॉक्टर बनने लगे हो आप, हाँ, वो लोग बहुत odd feel करते हैं। बिल्कुल। तो you know it was very difficult to make the best out of that bad job. क्योंकि मेडिकल में जाना मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन वो 0.087% से वो रह गया थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह। वो रह गया डॉक्टर तो आपको फिर भी मिल ही गया। हाँ, वो मेरी कमी पूरी कर दी। नहीं, ये बात नहीं, मैं नहीं बनी तो हस्बैंड हो गए। क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च का हाल अब उसके ऊपर कुछ बात होने लगी है सोशल मीडिया के बहुत इस तरह के ओपननेस के बाद, रिसर्च की एक्टिंग हो रही है, असल में रिसर्च हो रही है, वो जो पीयर रिव्यूड बस जर्नल लिखी जा रहे हैं एक्चुअल रिसर्च नहीं हो रही। तो मतलब आप रिसर्च का पूरा साल गुजार देते हैं और उसमें आपने सिर्फ वहां से लिटरेचर रिव्यू करके कॉपी पेस्ट करके कंपाइल कर दिया, प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए रीफ्रेज कर दिया, रीफ्रेजिंग के टूल्स इस्तेमाल कर लिए, इस तरह की जुगाड़ आपने लगा ली।
पेपर्स आपने लिख लिए, थीसिस पब्लिश करा दिया, और जब आप एक्सटर्नल वाइवा लेने आते हैं तो आप फिर आपकी वो कली खुलती है कि आपको एक्चुअली कुछ पता ही नहीं है क्योंकि टीचर ने आपको कभी कुछ कराया ही नहीं हाथ से. बट आपने और मैंने और बहुत सारे लोगों ने बहुत किताबों में पढ़ा है, और खास तौर पे अल्केमिस्ट में जब पॉलो ने लिख दिया the whole world conspires in helping you to achieve it. और अल्लाह ने तो कुरान में बहुत सदियों पहले कह दिया, वादा कर लिया कि जब आप किसी चीज का इरादा कर लेते हैं और नेक नियत उसमें शामिल कर लेते हैं और उसके लिए लग जाते हैं. मैंने हदीस पढ़ी काला इन दजनी अबदी भी, मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ. बिल्कुल, ये चाहे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहें पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो भी यही बात है. ठीक है, जो रोंडा बायरन द सीक्रेट में कहती है वो भी यही बात है, अल्केमिस्ट में भी यही बात है, यही बात है. क्योंकि ये मेरा ख्याल है कामयाबी का एक सबसे बड़ा गुर ही यही है. जैसे वो आपने माशाल्लाह इतनी किताबों के और राइटर्स के हवाले दिए, माशाल्लाह पढ़ते रहते हैं, बदकिस्मती से पढ़ने के बाद मुझे याद कम ही रहता है. लेकिन वो आपको याद होगा, हमने एक वो ट्रेनिंग कराई थी बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों की, जिसमें वो नेपोलियन हिल की बुक को हमने वो प्रैक्टिस कराया. उसमें भी वो यही कहता है. मेरा ख्याल है दुनिया का हर वो बड़ा बंदा जिसने सक्सेस की टूलकिट लिखी है या एक्सप्लेन की है, जिसमें वो सेवन हैबिट्स वाले मोहतरम स्टीवन कोवी हो जाए, या उसका स्टीवन कोवी जूनियर का भी आया था शॉन कोवी, उसने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी है फोर डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, नहीं इंस्पायर, ट्रस्ट एंड इंस्पायर, वो सब लोग यही बात करते हैं. तो आज आके क्रक्स हमने यही निकाला कि अगर आप मेहनत करते हैं, उस आपको बेशक डायरेक्शन का नहीं पता लेकिन आपकी नीयत साफ है, आपको पता है कि आपने कुछ करना है ऐसा जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके और मे बी आपको भी ग्रेटिफिकेशन मिलती है उससे, तो सारी कायनात जो है वो आपके लिए ऐसे असबाब आपके सामने लाना शुरू कर देती है कि इफ यू अवेल इट, इफ यू आर ब्रेव एंड ऑडेशियस इनफ टू टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क, इट हैपेंस फॉर यू. बिल्कुल सही बात है. तो ऑनर्स करने के बाद आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग बायोलॉजी. तो मैंने, मुझे क्योंकि लैंग्वेजेस का शौक था और खास तौर पे मुझे इंग्लिश सीखने का, पढ़ने का, बोलने का बहुत शौक था. ऑनर्स के टाइम से मैं लिख भी रही थी डिफरेंट अखबारों वगैरह में, लिखती थी इंग्लिश डेलीज में. और तो उसके बाद आई परस्यूड टीसोल, दैट वाज टीसोल को आप यूं समझ लें, वैसे तो टीसोल मींस लिटरली टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस. अच्छा, यानी हमारी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. हाँ, हम इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमारे जैसे लोग जिनकी नेटिव जुबान नहीं है ये कौमी, मतलब मादरी जुबान है, उनको कैसे सिखाई जाए इंग्लिश. सही है. मैं इसको यूं कहती हूँ कि पाकिस्तान में जैसे आप बीएड या एमएड करते हैं तो ये उसकी एक बहुत एक्सटेंसिव अप्रोच है फोकसिंग ऑन लैंग्वेज लर्निंग. तो दिस डिग्री वाज फ्रॉम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी एंड दैट ओपन्ड अ लॉट ऑफ डोर्स, अ लॉट ऑफ डोर्स इन अ सेंस आई वुड से द डोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन Not the doors of opportunities. के मतलब ये नहीं होता कि आप बायस डिग्री कर रहा हो तो आपको फॉरेन जॉब्स मिल जाती हैं, बल्कि ये होता है कि आपको अपने आप को असेस करना, रिफ्लेक्ट करना और अपने पोटेंशियल को थोड़ा बहुत अनलीश करना आप सीखना शुरू कर देते हैं. समथिंग दैट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी विजन ब्रॉड होता है, डोंट ऑफर. हम तो कुएं का डड्डू बना के, वो जो आपने पहले कहा कि ग्रेड की परेड में फंसाया. हाँ, ग्रेड की परेड में फंसाया होता है वाकई. तो वहां से फिर मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि अच्छा लैंग्वेज को आप और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. पाकिस्तान में उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग या कॉपी राइटिंग उस तरह से नहीं थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-2016. उस टाइम पे ये बड़े नए कॉन्सेप्ट थे, पीआर एंड ब्रांडिंग और ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना, उसको लेके चलना किस तरह से, वो बहुत नई चीजें थी. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. इट वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी एंड आई एक्सेप्टेड, मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ इस बात को, आई एक्सेप्टेड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट केम माय वे, नो मैटर हाउ लेस ऑफ एन आरओआई आई वाज गेटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. यानी ये नहीं सोचा कि मेरा यही फोकस है, इस तरफ ही जाऊंगी. हाँ. जो आपके सामने आया आपने कहा बस लेट्स जस्ट ट्राई इट. बिल्कुल. और उसमें ऑब्वियसली आप यू नो ऑफ ऑल पीपल आमिर वाज द बिगेस्ट motivation and push behind it. Indeed. And I think it was one of the very, very potent motivations in my life. So he would push me to do a lot of different things, to learn different things, to experience different things, to just go for it. Right. मैंने अभी पिछले दिनों ना कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ एक वो किया था सेशन. जी, मेरी नजर से गुजरा है. तो उन्होंने मुझे, उसामा इज अ वेरी फाइन जेंटलमैन, उन्होंने वो सारा स्केड्यूल किया, ही इज अ सीईओ देयर. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना कोई कैप्शन लिखते हैं इसके लिए. तो मैं वीडियो के लिए. हाँ, वीडियो. अच्छा. मतलब ये हम आपकी पोस्ट लगा रहे हैं कि जी मैडम
करवा रही हैं ये सेशन तो लोग आए, तो आप इसके लिए कोई हमें पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. Right. तो मैंने कहा जी उर्दू में लिखूँ अंग्रेजी में, उन्होंने कहा जिसमें मर्जी लिखते हैं. तो आई केप थिंकिंग कि कम्युनिकेशन की क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि आए और बात करना सीखें. तो आई रोट अ लिटिल स्टोरी एज हाउ माई माइंड वर्क्स के जी कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके लिए अम्बिया ने अल्लाह से दुआ की है. यानी हजरत मूसा जैसे खलीलुल्लाह ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला आप मुझे ये पावर दें कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकूं अपनी बात के जोर से. बिल्कुल सही. बात एंड ही वाज अ स्टैमरर. सॉरी, ही वाज अ स्टैमरर. यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और आगे वो था फिरौन जैसा बादशाह जो अपने आप को खुदा मान रहा है, नाउज बिल्लाह खुदाई का दावा कर रहा है, और उसके मतलब उससे ज्यादा तो कहार और जाबिर कोई हो नहीं सकता वहां पे. सही बात. तो और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बाकी नबियों ने भी अल्लाह ताला से ये भी दुआ की कि हमें दुआ करने का तरीका सिखाएं. दुआ भी कम्युनिकेशन की ही एक फॉर्म है कि आप पूरी दुनिया के पूरा फन खालिक से आप मांग रहे हैं, आप उसके सामने अपनी अर्जी रख रहे हैं. तो वो मैंने इसी से रिलेट करके लिखा कि कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसकी दुआ अम्बिया ने भी की है. और हम कम्युनिकेशन को सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी तक महदूद करके उसका डब्बा गोल कर देते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी सही बोलनी आती है तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है. सही है. ये आपको पता है हमने ये एक्सपीरियंस exactly, की चीज़ exactly. कि जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है उसके कोर्स में लोग एनरोल होते हैं तो वो कहते हैं एक महीने में जादू हो जाएगा. और हम एक रात में बीए करें. मुझे अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करने के लिए बुलाता है ना फात भाई, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि मैंने कम्युनिकेशन सीखने में 10-11 साल लगाए हैं और अभी भी मैं ये समझती हूँ कि आई एम नॉट अप टू द मार्क. मैंने जिस बंदे से कम्युनिकेशन सीखी है ना वो अभी तक भी मुझे कहते हैं अपनी टाइमिंग के ऊपर काम करो. आमिर भाई को किसी दिन पकड़ने हमारे पॉडकास्ट देखने वालों को आमिर कौन है. बिल्कुल. वेरी बिग जायंट थी और इंटेलेक्चुअली ठीक है. इनके हस्बैंड है इंशाल्लाह, इनको मैं पकड़ के लाऊंगा फिक्र ना. तो वो कहते हैं कि लव्ज एक ऐसा जादू है जो बेमहल इस्तेमाल से फीका पड़ जाता है. क्या ऑस्कर वाइल्ड की ये बात वो अक्सर दोहराते हैं और मुझे बताते हैं कि जी आपकी टाइमिंग जो है ना उसका ख्याल रखना है क्योंकि बहुत खूबसूरत बात भी अगर आप बेमहल बेमौका कर देंगे तो उसका असर जाया हो जाएगा. दूसरी तरफ इंसान क्योंकि सहल पसंद है, फितरतन आसानी पसंद करता है, तो इसलिए हमें वो चीज़ अच्छी लगती है जो जल्दी जल्दी आ जाए. हमें वो जो एक प्रोसेस से गुजरना है ना वो पसंद नहीं है. लेकिन मेरा ये ख्याल है क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ का हिस्सा रही हूँ कि अगर आपने पाए खाने हैं या शब्द एक खानी है, आपने उसका मजा लेना है, वो डेलीगेसी आपने एंजॉय करनी है, तो आप वो एक घंटे में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो नहीं बनेगी. सही. इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. चले शब्द एक पहले तो पूरी रात को वो पकती थी तभी वो शब्द एक होती थी. अब चले कुकर्स वगैरह की वजह से वो जरा 3-4 घंटे में बन जाएगी लेकिन घंटे में वो फिर भी नहीं बनेगी. नहीं बनेगी. तो जिन लोगों को खाने पीने से शौक है, मुझे खुद है क्योंकि मैंने शादी के बाद खाना बनाना सीखा है, तो खाने में मैंने बहुत ज्यादा प्यार और पैशन से उसको सीखा है. सिर्फ इसलिए नहीं पकाया गया बस खाना पकाना है. तो ये काम हर चीज में जरूरी है. अगर आप वो जैसे कहते हैं ना डंग टपाओ काम करेंगे कि बस टाइम पास हो जाए, गुजारा लायक हो जाए, वो तो फिर सभी चीजें हो जाती हैं. सही बात. लेकिन क्योंकि हम खाने पीने के शौकीन कौम है तो मैं खाने की एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि अगर आपने पाए खाने हैं तो आपको उसको प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा. ये इतना आप खाती हैं कहाँ जाता है? हैं औरतों की ये जो बात है, एक जगह बहसा बहसी में हमने बात की कि औरतों की दो किस्में, एक वो जो मोटी है, दूसरी वो जो दुबली नहीं है. जी मैंने पढ़ी थी. है ना, ये यूसुफी साहब की असल में लाइन है. ठीक है, ये इतना ज्यादा ओवरवेट और आपका भी जो है ना हेल्थ से रिलेटेड आपका है, व्हाई पाकिस्तानी वुमेन इज सो लेथार्जिक और हर चीज में. अगर अब आप देखें ना एजुकेशन में भी इस तरह से पीछे, हेल्थ अवेयरनेस में भी पीछे, हर लिहाज से ही जो है ना. व्हाई डू यू फील दिस इज दिस डायलेमा एग्जिस्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू एग्री विद दैट? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको. जी जी श्योर. जब आपने ये पब्लिश करनी है तागूत पार्ट 2 शुरू हो जाना है. नहीं नहीं, आपको तागूत का मतलब पता है ना? है ना, बस बस शी इज क्वालिफाइड. बिल्कुल पता है. और शी इज फ्रॉम द 5%. अब से नहीं पता, 2009-10 से पता है, जब तफसीर पढ़ी थी तब पता है. लेकिन मैं ना ये समझती हूँ आपकी बात से, मैं एग्री करती हूँ कि हम बहैसियत सिर्फ
मुस्लिम समेत सिर्फ नाजुक जो है खवातीन जो है पाकिस्तान में स्पेशली बिकॉज वी आर लिविंग हियर सो आई टॉक अबाउट हियर नॉट द होल सब कॉन्टिनेंट. हमारा एक माइंड सेट है कि हम किसी चीज़ को तब तक नहीं करते जब तक उसकी अशद ज़रूरत ना हमें पेश आ जाए. नायग्रा फॉल सिंड्रोम एग्जैक्ट एज पे आके हम लोग काम करते हैं और उस वक्त तक आके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती. बहुत सारी चीज़ें मैनेजेबल भी नहीं होती. जैसे अम्मी अबू पंजाबी की कहावतें पुरानी सुनाते हैं तो वो एक कहावत सुनाती हैं अम्मी के बुए आई जंज ते विनो कुड़ी दे कान. सही. उसका मतलब ये कि यू टेक समथिंग टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. सही. एंड देन यू इंटरवीन एंड देन यू क्राई एंड वाइन कि ये ठीक नहीं है, हमारी सेहत ठीक नहीं है. लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल पाकिस्तान में अभी इस साल के वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की 31.8% population is diabetic. जब आप diabetes की बात करें ना, it's a syndrome, it's a collection of diseases, जिसमें सबसे पहले मोटापा, overweight होना आपका, मुझे ना देखें, morbidly obesity, नहीं खवातीन की बात, अच्छा खवातीन, morbid obesity, सही, insulin resistance, extremely sedentary lifestyle, और so on and so forth with खाने की रूटीन ख़राब है, सोने की रूटीन ख़राब है, मीठा खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह. अब मैं क्योंकि पाए की बात हुई थी तो मैं ये भी इसमें बताना चाहती हूँ कि बहुत हम नाश्ते में इस तरह की चीज़ें पसंद तो करते हैं और पाए इज़ वन ऑफ द हेल्थीएस्ट फूड इन लाइफ कॉलेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉथ के पॉइंट ऑफ व्यू से. हमें तो कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा होता है उसमें, नहीं खाना चाहिए. अगर मैं आपको ये कहूँ कि नमक ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल होता है या चीनी ज्यादा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा तो कोई नहीं मानेगा इस बात को. लेकिन अभी रिसेंट रिसर्चेस उस चीज को साबित कर चुकी है. हम सत्यानाश कहाँ करते हैं कि हम पूरियाँ खाते हैं तली हुई ऑयल में भरी हुई, हम नान खाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए हैं. यहाँ पे हम अपनी बर्बादी शुरू तो छोड़ दें, यही तो हमारी पहचान पाकिस्तानी है. लोरिया पे लोरिया कैसे होगा, नान पाए तो ये यहाँ इस तरह के लाइफस्टाइल की छोटी छोटी मॉडिफिकेशन से मसला शुरू होता है. अगर अब न्यूट्रिशियसली हम बात करें तो उसके ऊपर तो मैं बीसियों चीजें गिनवा सकती हूँ जो हम दिन में यूं ही खा जाते हैं, जिस पर डॉक्टर अफान साहब भी मशहूर हो गए थे. उन्होंने समोसा बेचारा हमारा पोन दिया था कि समोसा आप दो दो समोसे मिजाक में खा जाते हैं, आप स्नैक में इतना खा जाते, स्नैक में आप इतना खा जाते जितना लोग खाने में नहीं खाते. मतलब डॉक्टर साहब हैज स्पेंट लॉट ऑफ टाइम आउट ऑफ पाकिस्तान, स्पेन में, यूके में, यूएस में, थोड़ा सा टाइम मैंने भी देखा है वहाँ पे. तो वहाँ पे तो मतलब लोग दिन उनका शुरू होता है सुबह 5 बजे 6 बजे, उनका तो मिड मॉर्निंग स्नैक होता है जब हमारा नाश्ता भी नहीं हो रहा होता 9-10 बजे. दोपहर को 1 बजे उनका खाना हो रहा होता है, शाम को 6-7 बजे उनका डिनर, एंड दैट्स ऑल, एंड ऑफ स्टोरी. वो चीजें जो हमने करनी थी क्योंकि हमारी नमाजों का टाइम उससे मैच करता है और टाइम करता है, हम वो नहीं कर रहे. हमारा रूटीन उससे बिल्कुल उल्टा है. हम रात की 11-12 बजे तक तो बाहर फिर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, खाने वाने खा रहे हैं, फिर हमें रात को नेटफ्लिक्स करते हुए भूख लग गई है तो हमने जिंगर भी मंगा लेने हैं, पिज्ज़ा भी मंगा लेना है, कोक भी पी लेनी है. यानी आप अपनी बॉडी में बार बार शुगर की ये स्पाइक दे रहे हैं. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. बिल्कुल सही. फिर दूसरी चीज़ जो खवातीन को मैंने बहुत करते सुना है, अब मैं बहुत फोरम्स पे ना ये बोलती हूँ और खवातीन हमेशा मेरे खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि वो डॉक्टर के पास जाके कहती हैं जी ऐसी खांदे बिंदे कुछ नहीं, साडा जिस्म फुलिया है, हवा पर ही है. ये इंक्लूडिंग हमारे घर की औरतें भी यही बात करती हैं. अम्मी अगर आप सुन रही हैं तो ये आपके लिए. मसला ये नहीं है कि आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे, मसला ये है कि आप क्या खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं. यानी क्योंकि आपने हेल्थ की बात की तो मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वन ऑफ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट हेल्थ. क्योंकि जैसे ही आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इससे बहुत आगे है. और उसमें मैं जिस चीज या स्पेशलिटी पे काम कर रही हूँ दैट इज PCOS. PCOS जो है वो डायबिटीज की फर्स्ट कजन है. आपकी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा एज़ वेल. यस, एब्सोल्युटली. ओके, एक चीज होगी तो दूसरी इज बाउंड टू कम. ओके, चाहे डायबिटीज है चाहे PCOS है, और दोनों होती किस वजह से? इंसुलिन रेजिस्टेंस की. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रही है जी? हम तो मीठा खाते ही नहीं है.
जी आप मीठा नहीं खाते? नहीं जी, हमने तो कभी मिठाई नहीं खाई। दे आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक शुगर ना। एक्चुअली तो शुगर वो सारे के सारे इस कार्ब्स के अंदर, सारे कार्ब्स के अंदर आ रही है। नॉन से ज्यादा जालिम चीज कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर हम अपनी जिंदगी में कंट्रोल कर लें ये नान और रोटियां और चावल और पास्ते और नूडल्स और इस तरह की चीजें, तो आप अपनी लाइफ के एक पोर्शन को तो आसान कर रहे हैं। right. दूसरी बात यह है कि हम हिलना जुलना पसंद नहीं करते। hmm. उसमें भी हिलना जुलना, मैं ये नहीं कह रही कि खवातीन काहिल होती हैं, नहीं होती। हम सारा दिन घर में चल फिर के काम करते हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। hmm. तो खवातीन का कहना होता है जी हम सारा दिन तो घर में चलते हैं। hmm. तो ये एक ऐसी बात है कि हम सेडेंटरी हैं, हम right. नहीं करते। बट दिस इज नॉट व्हाट आई मीन। अभी कल रात को मैंने एक वीडियो आमिर को दिखाई, उसमें देयर वाज एन इंडियन चैनल, उसकी जो ओनर है ना वो डिफरेंट जगहों पे जाके फूड एंड ट्रैवल को एक्सप्लोर करती हैं। उस बंदी ने एक फिनिश ट्रेडिशन है कि जो भी कोई फिनलैंड, नॉर्वे, स्वालबार्ड टाइप की जगहों पे जाते हैं, वहां पे उन्होंने एक वो कंटेनर सा रखा होता है जिसके अंदर आइस कोल्ड वाटर होता है, एंड दे टेक अ डिप इन इट एंड दे स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। क्यों? वो उनका ट्रेडिशन है। सोना में जाते हैं, वो हीटेड स्टीम सोना वो 80 डिग्रीज तक जाता है। अच्छा, आप सोचिए, मैं उसको देख के मैंने आमिर से पहले सवाल किया, अगर डॉक्टर साहब ये ठंडा गर्म नहीं होते हमारी तरह, हम तो एसी से बाहर जाए, बीमार छींक आने लगे, अंदर आए तो हमारी तो तबीयत खराब, हमारे पट्टे अकड़ जाते हैं, हमारे कंधे काम नहीं करते, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो ये कैसे कर रही है? और इतना ठंडा पानी है, बर्फ के वो फ्लेक्स उड़ रहे हैं हवा में। हाउ आर दीज वुमेन सो स्ट्रॉन्ग? दूसरी बात, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है, तो एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स पैसा इतना बनाते हैं कि सी सेक्शन पे सी सेक्शन किए जाते हैं, बाहर तो सी सेक्शन नहीं होते इतने, बाहर तो नॉर्मल होते हैं केसेस। इट कैन बी ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट जहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बाहर का लाइफस्टाइल और बाहर की जो खुराक है, वहां पे अगर आपको भाई दूध बेच रहे हैं ना कह के, तो वो उनको खालिस दूध लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके नजदीक ना खालिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे एक दुकान पे लिखा होता है खालिस दूध इतने रुपए, अल्लाह की कसम खालिस दूध इतने रुपए। जी ये खालिस के भी लेवल होते हैं। खालिस, हाँ बिल्कुल, वहाँ जहाँ कसम खानी पड़े आपको खालिस चीजों की। आप सोचें कि वहाँ पे मैं 2 साल वहाँ पे रही हूँ, यूएस में, यूएस आई फेल इन लव विद द मिल्क देयर and when I came back I started hating it. क्या बताओ, आपकी गाय अच्छी हो, आप ऐसी पाकिस्तानी को बदनाम करें? नहीं, गाय तो यहाँ की भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहने का मकसद है कि the quality that you're providing to your consumer, you're not even sure that after spending so much money you're getting the quality that you need. तो वहाँ की खवातीन का lifestyle आपसे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा active है, वो strength training और resistance training में believe करती हैं, जिसका आपको पहला alphabet भी नहीं आता है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है। हम सिर्फ जिम तब जाते हैं जब हमारी शादी होने वाली होती है, या फिर हमने पोस्टपार्टम वेट लूज करना होता है, ये हकीकत बात है। इसके अलावा हम जिम को समझते हैं कि एक शशका है, कि पैसे का ज्यादा देखा जाए, तो फिर से इसी रूट कॉज उसी बात की तरफ चली जाती है, क्योंकि हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यस, वक्ती तौर के मजे के लिए हम कोई भी चीज खा जाते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में वंस अगेन इट्स टिकटॉकिफिकेशन, इट इज टिकटॉक। और इस टिकटॉकिफिकेशन को खत्म करने का एक तरीका मैं आपको ये बता सकती हूँ, टिप है कि आपके जोड़ों, जितने जोड़ हैं आपकी बॉडी में, चाहे वो उंगलियों में है, घुटनों में है, कंधों में है, पांव की उंगलियों के बीच में है, इन सब में एक कुरकुरी हड्डी जैसा मटेरियल होता है, गोंद जिसे बोलते हो, तो जी हाँ, एक तो हार्ड बोन होती है, एक सॉफ्ट बोन होती है, कुरकुरी हड्डी टाइप इसको कहते हैं, जब आप चिकन या मटन पकाते भी हैं उसमें भी आपको नजर आती है। राइट, ये हड्डी सॉफ्ट बोन है क्योंकि, लेकिन ये आपके जोड़ों की लुब्रिकेशन और उनकी मूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इनका। जब ये घुलना शुरू हो जाती है, घिसना शुरू हो जाती है, तो आपकी हड्डियों के कोने निकल आते हैं और आपके जोड़ सूज जाते हैं, इसको आप कहते हैं आर्थराइटिस, आम अल्फाज में आर्थराइटिस, गेंठिया, गेंठिया right. जोड़ों का दर्द, और खवातीन उठने बैठने से रह जाती हैं खास तौर पर, एक तो उसमें वेट रीजन है, दूसरा रीजन ये है। तो ये कम क्यों हो रहा है? ये इसलिए कम होता है, जब मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ,
अब आप ये बात जो भी देख रहे हैं ना इसको, मैं चाहूंगी कि आप ये बात याद रखें जब आप कोई ब्राउनी खा रहे हैं, स्मूदी खा रहे हैं, न्यूटेला के चमचे भर भर के ब्रेड पे लगा के बच्चों को नाश्ते में दे रहे हैं, आप ये याद रखें कि जब इंसान पैदा होता है ये कुरकुरी हड्डी जो है ना ये ओपेक वाइट कलर की होती है, बिल्कुल दूधिया से रंग की होती है। जब आपकी बॉडी में आपने मीठा डाला, इंसुलिन स्पाइक, इसके ऊपर जंग नुमा ऑरेंजिश रस्टी कलर आना शुरू हो जाता है। हम अपनी बॉडी में इतना शुगर डालते हैं फाद भाई, इतना एब्यूज करते हैं अपने लिवर को और अपने पैंक्रियाज को, और हम इंसुलिन को पागल कर रहे हैं, वी आर ड्राइविंग इंसुलिन क्रेजी, सो मच सो दैट इट इज देयर इन द बॉडी। कोई हल भी बताए ना, मैं बताती हूँ, मैं आती हूँ उसकी तरफ। इट्स देयर इन द बॉडी, द शुगर इज देयर इन द बॉडी, दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, ये पकड़ाना, एंड इट आस्क यू टू ईट मोर। सही, हमने करियर प्रेप में स्टूडेंट्स के साथ आपने और मैंने बहुत काम किया है, हमने देखा भी है स्टूडेंट्स को, हमें पता है कि एक बड़ा विशेष सा साइकिल है जॉब का, एक बड़ा विशेष सा साइकिल है। एग्री, यू नो आई डोंट हैव अ जॉब बिकॉज आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब, ये डकटेल सिचुएशन, मुर्गी अंडे वाली, बिल्कुल। तो यही सिचुएशन बॉडी के साथ भी है। अच्छा, इंसुलिन भी बॉडी में बन रही है, शुगर भी बॉडी में है, वो दोनों एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रही है, और इंसुलिन आपको कह रही है और खाओ, नहीं है शुगर, और खाओ। सही है, ये जो हम कहते हैं ना बार बार हमें भूख लगती है, हमें ऐसे लगता है कमजोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, शुगर हो रही है, और खाओ, बॉडी को जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है, आपने, हम पाकिस्तान में ये कहते हैं जी जिसको गरीब हमने कहना हो ना, हम कहते हैं जी दो वक्त की रोटी बस मिल जाती है। सही बात है, ऐसे ही हम हमारे मुहावरे भी बोल रहे हैं, खुद तरसी पे मुश्तमिल हमारा मुहावरा है, लेकिन एक्चुअली में पूरी जरूरत भी दो दो टाइम की ही है। पूरी दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग में कह रही है एक से ज्यादा मील ना खाए जब तक आपको जरूरत ना हो। अच्छा, एक ही खाना चाहिए? यस, यानी रोजा ही रखता रहे बंदा? यस, रोजे में भी दो मील होते हैं। अभी मैंने नई रिसर्च बल्कि पढ़ी है, आई हैव बीन ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर अबाउट 7 months नाउ, यानी उसमें एक ही मील होता है। हाँ, उसमें एक प्रॉपर मील है, और प्रॉपर अच्छा। मील वो नहीं है जिसमें आप दो रोटियां खा रहे हैं, एक 50 ग्राम की रोटी, क्योंकि आपकी गंदम जो है वो जीएमओ सीड से आ रही है, बिल्कुल ठीक है, 50 ग्राम की रोटी जो भी घर का सालन बना हुआ है कम ऑयल के साथ, और उसके साथ ग्रीन्स, सही, सलाद के पत्ते, कच्ची सब्जियां, खीरे वगैरह वगैरह एंड एवरीथिंग, और उसके अलावा आप, मैं ड्राई फास्ट नहीं करती थी, मैं वाटर फास्ट करती थी, यानी जिस 16 घंटे की विंडो में मैं नहीं खा रही या 20 घंटे की विंडो में नहीं खा रही, पानी पर उसमें मैं पानी पी रही हूँ, ग्रीन टी पी रही हूँ, भुने हुए चने खा लिए, काले चने उबाल के खा लिए, या फिर वो लोबिया खा लिया, या इस तरह की चीजें जो जीरो कैलोरी फूड है, राइट, या कि वो आपको प्रोटीन केक तो दे रही है लेकिन कार्ब्स केक नहीं दे रही, तो आपका इंसुलिन कंट्रोल में है, बिल्कुल ठीक। अभी मैंने रिसेंट रिसर्च पढ़ी है 2 दिन पहले, और अब मैं सर पकड़ के बैठी हूँ कि अब मैंने ये कैसे करना है, मैं तो 20 घंटे का फास्ट कर रही थी और मैं समझी थी मेरी लाइफ बड़ी सेट है। वो मोहतरम कह रहे हैं, मिनी प्लेज एक बहुत रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने कहा कि जी रिसेंट रिसर्च कहती है कि यू आर डूइंग नथिंग गुड टू योर बॉडी इफ यू आर डूइंग ओनली 16 or 20 hours फास्ट। अच्छा, सो व्हाट शुड वी डू, 24 घंटे भूखा रहे, 48 to 72 hours विद वन मील, 48 to 72 hours with one meal. दरमियान में बस पानी पी ले बंदा, और ये अच्छा, आप अपनी जो जो भी आपकी अपनी डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरी इनटेक की, वो आप बाकी चीजों से पूरी करें, लेकिन आपने ये नहीं खाना जहर। और अगर आपने खाना भी है, उसका भी खाने का तरीका है, सबसे पहले अपनी वेजिटेबल खाएं, यानी आप रेस्टोरेंट्स में हम लोग देखते हैं कि खाना आने से पहले सैलड और रायता सर्व होता है, आप वो उठा के खाएं, that makes a lining in your gut, right, जो आपको prepare करता है और insulin की जो absorption, जो sugar की है, जो rush मिलेगा उसको जरा mellow down करता है, बिल्कुल ठीक। फिर आप खाएं अपने proteins, गोश्त, दाल, चने, जो भी आपने खाना है, और ये ना समझे कि दाल को बहुत गरीबाना खुराक है, दालें भी बहुत महंगी हो चुकी हैं, चिकन के बराबर आ रही हैं, ऐसे ही, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोटीन कॉन्टेंट है वो भी उतना ही है। देखिए चिकन खाए, चिकन भी दाल ही खा के बड़ा होता है, बिल्कुल ये बात हम नहीं देखते, ये तो इसलिए दाल ही खा ले बंदा। मैं कुछ और ही कहूंगी तो पोल्ट्री वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे लेकिन अच्छा, पता है पीसीओएस में सबसे इम्पोर्टेंट एहतियात क्या है, कि आपने पोल्ट्री और डेयरी नहीं खाना,
क्यों? क्योंकि ये सब के सब हार्मोनल इंबैलेंस हैं ऐसे ही, और PCOS एंड इवन डायबिटीज बोथ स्टार्ट व्हेन योर हार्मोन्स आर डिरेंज्ड ऐसे ही. Hyperprolactinoma is becoming very very normal, very very common. बहुत सारे इसमें केसेस ऐसे देखे मैंने. And I've read somewhere recently, sorry to intervene, कि 52% of Pakistani women are suffering from PCOS. PCOS, yes, yes. And इससे भी ज़्यादा horrific ये, एशिया में number one breast cancer में, और 25% जो है पाकिस्तान की वेमेन, दे आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर. मतलब इतनी इग्नोरेंस. अब कुछ तो है, आप देखें गड़बड़ पाकिस्तान के अंदर. अब ये चीज आप इसे फेलियर कहेंगी एकेडेमिया का, फेलियर कहेंगी पेरेंट्स का, या फेलियर कहेंगी मीडिया का, या हमारा अपना कसूर? सबसे पहले तो आई थिंक वी शुड होल्ड अकाउंटेबल आवर ओन सेल्व्स, एंड आई विल डू दैट. ठीक है, वो इसलिए कि मीडिया का भी वही विशेष साइकिल है, जो हो रहा है वो दिखाएंगे, और जो हाँ. वो जो दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं वो अवाम के हिसाब से चल रहे हैं. ठीक है, वो हमारे हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि उनकी मोनेटाइजेशन या आरओआई उस तरह से ऐसे ही. हम जितनी रेटिंग उनको देंगे, एंड यूट्यूब इज इंक्लूडेड इन दैट. यस, एब्सोल्युटली. तो मीडिया को मैं उस तरह से जिम्मेदार नहीं समझती. मैं ये समझती हूँ कि हमारी इसमें एज अ वुमन, मैं अगर एक फैमिली रेज कर रही हूँ तो मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने मेल चाइल्ड को, अपनी फीमेल चाइल्ड दोनों को बेसिक लाइफ स्किल्स भी दूं विदाउट जेंडर डिस्पैरिटी. यस, मैं उनको ये भी सिखाऊं कि आपकी अपनी हेल्थ को आपने कैसे मेंटेन करना है, आपकी अपनी हेल्थ और आपकी मेंटल सैनिटी कितनी जरूरी है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन हु यू कम इन कॉन्टैक्ट. राइट राइट, दिस इज समथिंग नोबडी इज टॉकिंग अबाउट अनफॉर्चुनेटली. PCOS में इतने बुरे केसेस, फहद भाई, इतने बुरे केसेस हमने सुने हैं. शुरू किस लिए हो रहे हैं? सिर्फ हार्मोनल इंबैलेंस की कंप्लेंट से शुरू हो रहे हैं. एंड एट व्हिच एज ये चीज? चाइल्ड बेयरिंग एज 12-13 साल से शुरू होता है. अच्छा, मतलब द वे द टाइम यू हिट प्यूबर्टी. यस, एब्सोल्युटली. और 50-55 साल के बीच तक. और पाकिस्तान का जो डेटा आपने ऑनलाइन देखा है ना, 52%, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट अपडेटेड. ओके, यू नो व्हाई? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन consider it as a disease or a condition. Yeah. Right. So they don't report it. Right. पहली जो number के अंदर जो discrepancy है उसका पहला reason ये है. दूसरा reason ये है कि वो diagnose ही नहीं होता. और इसका cure भी नहीं है. क्या ये भी बात ठीक है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है. अच्छा. मैं diagnosis की बात पहले तवज्जो दिलाना चाहती हूँ आपके इस platform से, कि डायग्नोस इसलिए नहीं होता कि हमारा ये बिलीव है, हम खवातीन का ये बिलीव है, आप मर्दों का इसमें कोई कसूर नहीं है. ये जी शादीशुदा नहीं है तो गायनी के पास क्यों जा रही है? It's a taboo. It is a taboo. मतलब अगर शायद even for boys as well. Yes. Even अगर हमें कोई कहे यार तुम ना जाके सीमन टेस्ट करा लो, एक बार जाओ किसी के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, कुछ कर लो, तो हम एक तो पहले ही शर्म आ जाती है इंसान को, दूसरा इवन पेरेंट्स they are not comfortable. Yes. आपने ठीक कहा, सबसे पहले हम खुद accountable हैं, उसके बाद parents हैं. Yes. Right. Yes. Yes. अच्छा, parents को भी मैं फहद भाई इसलिए थोड़ा discount करूंगी आपकी इजाजत से. जी, sure. They were growing up in a very different time and age. So I would give them benefit of the doubt that they didn't know better. They right. did not know better than this. उन्होंने कम से कम हमें इस काबिल तो कर दिया ना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक वो सेंस है जिसके थ्रू हम बिल्कुल सही परख सकें, समझ सकें, अपना अच्छा बुरा सोच सकें. सही कह रहे हैं. उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट्स ऑन अस. तो हमारी जनरेशन और हमसे जो आगे आने वाली, जो हमसे भी अल्ट्रा फास्ट है, उनके पास तो हर चीज टिप ऑफ द फिंगर पे मौजूद है. अगर हम उसका इस्तेमाल खुद ठीक तरीके से नहीं कर रहे, देखें सोचना कैसे है, ये आपको दूसरे नहीं सिखा सकते, ये आपने सोचना है कि आपने सोचना कैसे, really right. Agree with that. आपने लर्न कैसे करना. Agree with that. ये एक ऐसी स्किल है जो या तो होती है या नहीं होती है. उसका उसमें पेरेंट्स, सोसाइटी, उसाद्जा, आप देखेंगे झुग्गियों से, दूर दराज के सहराओं से, थल जहाँ पे पीने का पानी, आप जानवरों के साथ पानी पी रहे हैं, वहां से हम कैसी कैसी सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं. उनको कौन सिखा रहा है? एक बेसलाइन इननेट सेंस ऑफ लर्निंग तो अल्लाह ने हर एक में दी है, बाकी कुछ आपको आपके मेटरनल माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है. इसलिए कहते हैं कि IQ और अकल सेंस जो है, एक्विजिशन की स्पीड जो है, वो आपको मदर से आती है, फादर से नहीं आती.
अच्छा, तो आप उतने इंटेलिजेंट हो गए जितनी यानी बीवी सियानी ढूंढे हम आपने, बीवी सियानी ढूंढे, और अगर एक सियानी ना हो तो दूसरी भी ढूंढे, चार हो तो ज्यादा ज्यादा सियानी बच्चे, भाई भाई ये बात कहना चाहिए इन्होंने मान लिया। अच्छा ठीक है, मैं पता है, अच्छा आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी आगे कि आपने कहा ना बीवी सियानी ढूंढे, पाकिस्तानी माओं से हाथ जोड़ के दरखास्त है कि प्लीज सिर्फ गोरी चांद सी दुल्हन ना लाए। देयर इज अ डॉक्टर बहू सिंड्रोम, वेरी बैड डॉक्टर बहू सिंड्रोम, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सिर्फ एक चीज पे फिक्सेट क्यों हो जाते हैं, मतलब शक्ल देखने तो सिर्फ शक्ल पे ही रह जाएंगे, पैसा देखने सिर्फ पैसे पे ही रह जाएंगे। आपने फात भाई कितने ऐसे लोगों को देखा है जो रिश्ता कहीं लेके जाते हैं या कहीं देखने जाते हैं तो वो ये कहें जी मेंटल कंपैटिबिलिटी या इंटेलेक्चुअल फ्लाइट कैसी है, मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। वो देखते बहाने बहाने से उम्र पूछेंगे, हाइट देखेंगे, दांचा दिखेंगे, यानी लड़की देखने जा रहे हो कि बकरा देखने जा रहे हो, वो ऐसे ऐसे हो जाता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि बतौर सिंफ मैं भी उसी जी का हिस्सा हूँ, लेकिन हमने साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक तो करना है ना। तो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया पर वापस आती हूँ कि आप उतने इंटेलिजेंट होगी जितनी आपकी मदर इंटेलिजेंट है, तो वही कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला ने हर एक को एक मौका बराबर का दिया है एक लेवल पे। बिल्कुल सही कि यहाँ ये देखें, ये जीरो है, ये 50 है, ये 100 है, तो जीरो से 50 तक अल्लाह ले आए, अब 50 से 100 तक देर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, राइट, ओनली इफ यू एक्सप्लोर, राइट। यहीं पे सक्सेस है, यहीं पे लक है, यहीं पे टैलेंट है, यहीं पे लर्निंग है, हर चीज इस 50 to 100 के स्ट्रेटा में लाई कर रही है। बिल्कुल ठीक है, अब आप करते हो या नहीं करते ये इंसान की अपनी चॉइस है। बिल्कुल ठीक है, आपका जो वेंचर है हर हेल्थ, उसकी तरफ हम आते हैं, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट, थोड़ा बताएं उसके बारे में। हर हेल्थ फहद भाई, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये ख्वातीन की हेल्थ को फोकस कर रहा है, और उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक दो नीशेज हैं, एक मेंटल हेल्थ और दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रही हूँ तो उसमें ख्वातीन जो भी देख रही होंगी इस शो को, उनसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि डू यू नो एज ऑफ नाउ और हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इन पाकिस्तान व्हाट अ पैप स्मीयर टेस्ट इज, एंड इफ योर आंसर इज नो देन यू हैव टू फॉलो व्हाट हर हेल्थ इज डूइंग, बिकॉज पैप स्मीयर इज द बेसलाइन टेस्ट टू डिटरमिन एंड टू अंडरस्टैंड कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है या नहीं है, क्योंकि पैप स्मीयर जिन जिन मुल्कों में मिसिंग है वहाँ पे ओवेरियन कैंसर भी हो जाता है, वहाँ पे यूटेराइन कैंसर भी हो जाता है, वहाँ सर्वाइकल कैंसर भी हो जाता है, और ये भी उतने ही खतरनाक है जितना के ब्रेस्ट कैंसर। ये माफुकुल फितर टर्म जो आपने बोली, इसका मतलब भी तो हमें बताएं। जी मैं बिल्कुल बता देती हूँ, पैप स्मीयर टेस्ट जो है ये बिल्कुल एक छोटा नॉर्मल सा टेस्ट है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोविड में हम नेजल स्वाब एक नाक में घुमा के उसका कल्चर करते थे और देखते थे कि सेल्स की क्या हालत है अंदर। पैप स्मीयर टेस्ट भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन अपना जो एक बैरियर है ना मेंटल, उसको तोड़ लें, क्योंकि इसके लिए आपको गायनेक के पास जाना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को भी ले जाना पड़ेगा। ठीक हो, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आप अपनी बच्चियों, क्योंकि हर बंदा मेडिकली एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक ने बायोलॉजी पढ़ी हो। बिल्कुल ठीक है, या हर एक ने मेडिकल फिजियोलॉजी पढ़ी हो। तो बच्चियां जब माओं के पास इस कंप्लेन के साथ आती हैं कि जी हमें साइकिल्स में इरेगुलरिटी फेस करनी पड़ रही है, और माएं इधर उधर से खालाओं से चाचियों फूफियों से सुन के उनको आयरन जो है वो स्टफ करना शुरू कर देती हैं, जी आयरन की गोलियां खा लें, फॉलिक एसिड खा लें, वीनोफर के इंजेक्शन लगवा लें, बहुत ज्यादा। और मैं आपको बताऊं, ये आप अपनी बच्ची के गुर्दे उड़ाने का इंतजाम अपने हाथों से पैसे देके कर रहे हैं, ये जो फॉलिक एसिड की जो छोटी छोटी ये बगैर जरूरत के। अच्छा, मतलब आप आयरन का लोड बॉडी में डाल रहे हैं जिसकी उसको जरूरत ही नहीं है। आपका लिवर उसको कैसे प्रोसेस करेगा? आपका आपका लिवर भी उड़ जाएगा, आपके गुर्दे भी उड़ जाएंगे, जरूरत ही नहीं आपको उस चीज की। इसकी एग्जांपल मैं यूं देती हूँ, हम डॉक्टर्स कहते हैं ना जी हमें 12 से 16 18 ग्लास दिन में पीने चाहिए पानी के। एक खातून ने इस बात को इतना सीरियस ले लिया कि उन्होंने 2 घंटे के स्पैन में 16 ग्लास पानी पी लिया, एंड शी डाइड। शी डाइड ओवरहाइड्रेटेड, ओवरहाइड्रेटेड, आपके सेल्स के ऊपर इतना वाटर लोड है, राइट, ओवरहाइड्रेट कर दिया आपने, शी डाइड। ये अभी इसी हफ्ते की न्यूज है, इंडिया की खातून है वो। अच्छा, तो कहने का मकसद है कि आप बिला वजह तुक्के ना लगाया करें। ये उस तरह से ये केस नहीं है जैसे सर में दर्द हुआ डिस्प्रिन खा ली, जिसमें में दर्द है ब्रूफेन खा ली। ये कल्चर भी खत्म होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इतना ज्यादा फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिकल्स, प्लीज एक्सक्यूज माय ऑनेस्टी, बट दे आर डिजाइनिंग दी
द पेन किलर्स टू एक्चुअली क्रेव योर बॉडी फॉर मोर. जब आप नहीं खाएंगे तो जैसे नशा ना करने से नशा टूटता है ना, उसी तरह जब आप पेन किलर्स की बॉडी इतनी आदी हो जाती है तो फिर आपको बॉडी मांगती है, वो आपको पेन करती है, पेन क्रिएट करती है, एक क्रिएट करती है ताकि आप और खाएं. एक्चुअली जो मेजर रीजन है ना इसकी सना, वो ये है कि डिस्प्रेन होगी, पैनाडॉल होगी, या आपने जैसे कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी में हमें ही होता है. डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एक तो हमसे अच्छी खासी फीस मांगेगा. असल में प्रोफेशन बहुत बदनाम है, जमाना कसाई ये लोग हैं, ठीक है, क्या का क्या बना दें. तो हम कहते हैं कि यार अगर डिस्प्रीन से अगर चीज ठीक हो सकती है तो हमें कीमोथेरेपी की तरफ हम क्यों हम जाएं, ठीक है ना. ये असल में माइंड है, पैसा खर्चा हम बचाते हैं. ये चीजें उन कंट्रीज के लिए तो ठीक है जहाँ पे लोगों का जो है ना फाइनेंशियल हालत लोगों की अच्छी है. लेकिन अब आप ये कहें मैं सर दर्द के लिए भी हमेशा डॉक्टर के पास जाऊँ और माइनर पेट दर्द गैस्ट्रस इशू के लिए भी डॉक्टर के पास जाऊँ. नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट पेशा जो बदनाम है और उसमें देखें ब्लैक शीप तो हर जगह पे, एवरी कम्युनिटी, लेकिन डेडिकेटेड डॉक्टर्स की वजह से ही पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम चल भी रहा है. ये भी सच बात है. अगर आप सर दर्द के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो यू माइट एज वेल जस्ट लीव दिस पेन एंड गो टू सम अल्टरनेटिव मेडिसिन. ठंडे पानी में, आइस कोल्ड वाटर में हाथ फ्लेक्स करके देख लें, राइट, लीमू मल के देख लें, ठीक हो भी जाता है इससे. प्लेसिबो इफेक्ट है फादर. अच्छा, मैंने करके नहीं देखा. ये होता है. चले, गैस्ट्रिक इश्यूज पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ही जीआईडी का है. पाकिस्तान के आधे से ज्यादा खवातीन मर्द हजरात जो है उनका गट ही ठीक नहीं है. जीआईटी बोले तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अच्छा, तो गट का मसला है, लिवर खराब है या मैदा खराब है, आंतें खराब है, जिगर काम नहीं ठीक कर रहा, जिगर खून नहीं बनाता, अच्छा जिगर क्या करता, जिगर खून नहीं बनाता, जिगर आपके टॉक्सिंस को निकालने की फैक्ट्री. ऐसे ऐसे ठीक है ना. तो वो उस बेचारे को वो काम दे दिया जो वो करना ही नहीं है. खैर जोक्स अपार्ट, आप अगर अपना गट ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना खाना ठीक करें, अपना जो एक्सरसाइज है वो ठीक करें. पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो गट और ब्रेन कनेक्शन की बात कर रही है. सही है. हम एक्सरसाइज को एक बोझ समझते हैं, इंक्लूडिंग मी. मैं भी कुछ टाइम पहले तक ऐसी थी, लेकिन जब से मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे फादर इन लॉ माशाल्लाह ही इज टर्निंग 79 माशाल्लाह, खुदा ताला, सो जिस तरह उनको सर्दी लगती है ना उसी तरह मुझे लगती है. इसको मतलब फैमिली में कहते थे ये इनकी सगी बेटी है, बिल्कुल आते मिलती हैं, उनको भी ऐसी लगती है सर्दी. मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि भाई ये कोई हंसने की बात नहीं है, इट्स अ सीरियस थिंग. I've hardly turned 30. He's turning 80, mashallah. 50 years of gap. When I'll probably, even if I get to live by that time, if Sing I reach 80 years, Sing what am I going to do? ऐसे ही. फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की तो पता चला कि आपके पट्टे कमजोर होते हैं तो होते हैं. पट्टे क्यों कमजोर होते हैं जी? आपने कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की नहीं, आपको पता ही नहीं है कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती क्या है. इसी वजह से जो है वो इट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आप सी सेक्शंस पे जाते हैं, क्योंकि आपके मसल स्ट्रेंथ है ही नहीं. Your muscles are just there. They don't have any strength to push or pull or stretch or come back or whatever. So, ये बहुत बड़ी reason है पाकिस्तान में C-sections की तादाद ज़्यादा होने की, जिस पे फिर आप doctors पे मुद्दा डालते हैं जी पहले तो सब ठीक था, end पे आके C-section किया, पैसे जो कमाने थे. हो सकता है कुछ cases में ये बात ठीक है, हो सकता है ये ठीक है बात, लेकिन आप अपनी health भी तो देखें ना कि आप कितने मसलों के साथ जा रहे हैं, कितनी contraindications के साथ जा रहे हैं, कितनी complaints के साथ जा रहे हैं. PCOS के साथ पहली बात तो आप कंसीव कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है. आपके हार्मोन्स IVF से भी नहीं, IVF से भी नहीं हो सकता. IVF या जो भी, जब आपकी बॉडी ही उसको कबूल नहीं कर रही है, आपके हार्मोन्स कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं बना रहे, तो IVF भी फेल हो जाएगा. सही बात है. तो आप जितने मर्जी उस पर पैसे लगा लें, PCOS का जिन पहले कंट्रोल करें. हर हेल्थ जो है वो इसी चीज पे काम कर रहा है कि PCOS को आप उस टाइम से पकड़े हैं जहाँ पे आपको पता भी अभी नहीं चल रहा. बच्चियाँ पेरेंट्स माओं के पास जा रही हैं और माएँ तुक्के लगा के दवाइयाँ दे रही हैं या कह रही हैं कि कोई बात नहीं, कमजोर है, खाना पीना खिलाओ, कलेजी खिलाओ, अनार का जूस पिलाओ, ठीक हो जाएगी. सही बात है. जब आप ये चीज करना छोड़ के आप अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, फाद भाई पूरी दुनिया प्रिवेंटिव मेडिसिन पे जा रही है. सही बात. और हम अभी तक क्यूरेटिव अप्रोच पे हैं कि जो बीमार होंगे तो देखी जाएगी. आप उसको पहले से क्यों नहीं रोकते? मैंने एक बड़ी मजे की बात अभी पढ़ी कि यूट्रस इज आवर फर्स्ट होम. यस, पहला घर. और हम उस घर की हिफाजत
नहीं करते, हम जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ वो एक कैरियर ऑफ चाइल्ड है. आप उसको बॉडी के एक हिस्से की तरह ट्रीट नहीं कर रहे. मैं खवातीन से मेरा ये बड़ा शिकवा है कि वो यूट्रस और जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन्स को बाकी ऑर्गन्स जैसी इज्जत नहीं दे रही. सही बात है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका दिल है, जितना आपका दिमाग है, जितना आपका जिगर है या फेफड़े हैं. क्योंकि अगर फर्ज करें उसमें कैंसर हो गया, आप क्या करेंगे? सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स को आप देखें, दे आर मिजरेबल. और पाकिस्तान में लोग कहते हैं सर्वाइकल कैंसर ये कौन सा है, ये कैसा कैंसर है, कहाँ से होता है, कब होता है, क्यों होता है. ब्रेस्ट कैंसर को तो थैंकफुली पिंक रिबन ने इतना अवेयर कर दिया है कि हम कौमी इमारात को भी पिंक कर देते हैं अक्टूबर में. लेकिन मैं समझती हूँ कि PCOS, देखें पूरी PCOS के ऊपर ना पूरा पाकिस्तान की सोसाइटी का प्रेमिस खड़ा है. बिल्कुल ठीक कह रही, मैं उसको साबित कर सकती हूँ. वो इसलिए कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक अब्यूज का बहुत बड़ा वन ऑफ द मेजर रीजंस इस बच्चे नहीं हो रहे. मतलब इन्वेस्टिगेट तो करें ना कि प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहीं PCOS की वजह से तो नहीं है. जरूरी नहीं है शादी से पहले हो, PCOS शादी के बाद भी, बंदों की अपनी वजह से भी हो सकता है. वो तो छोड़ ही देना, उसके ऊपर कौन बात है. यहाँ पे बंदों की ज्यादा ठुकाई होनी चाहिए जिनको पता ही नहीं है कि पता नहीं किस वजह से हो रहा है. मेरा ख्याल है उनका ज्यादा कसूर नहीं है बंदों का, बंदों की माओ का कसूर है जो कहती है मेरा बेटा तो ठीक है. बिल्कुल, क्या बात है. आज आके कुछ ये जी पॉडकास्ट में औरतों की साइड ले रही हूँ, बंदों की साइड ले रही हूँ. हालांकि मेरे बारे में सारे पेज पे कहते हैं मिसोजिनिस्ट है, औरतों का मजाक उड़ाता रहता है. नहीं लेकिन देखें जहाँ पे गलत बात है ना वहाँ आप जेंडर स्पेसिफाई किए बगैर आप, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बतौर एक इंसान मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि आपने घर का यूनिट ठीक रखना है. अगर मैं बहैसियत खातून मेरे अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और मेरे हम ये बात अगर मिसोजिनी का टैग यूं लगाते हैं जी मर्दों ने कहा जी औरत नाकस अकल है, जी हमारी अकल नाकस है, हम खराब हैं, हमें अकल नहीं है, बेवकूफ है. नाकस का मतलब तो पहले समझ लें. नाकस अकल का मतलब है, अफाद भाई आपने वो बुक पढ़ी होगी एडवर्ड डी बोनो की लेटरल थिंकिंग. मैंने एक्सर्प्ट पढ़े हैं उसके. इट्स अ वेरी फेमस, वेरी फेमस बुक. वेरी फेमस. एडवर्ड डी बोनो का बहुत अच्छा काम है. सिक्स थिंकिंग हैबिट्स या सारी ही किताबें. अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़े उसको. उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि नाकसुल अकल का मतलब क्या है. क्या है बताएं? नाकसुल अकल का मतलब ये है कि औरत और मर्द की कॉम्पिटेंसी में फर्क क्या है. उनकी सोच या थिंकिंग पैटर्न या वो दुनिया को किस ऐनक से देखते हैं. मर्द जो है ना वो बहुत ऑब्जेक्टिव है. यानी वो बड़े स्पेसिफिक चीज को देखने की अहलियत है उनकी. जैसे वो ई कॉमर्स में हम कहते हैं ना बॉटम लाइनर्स एंड फ्रंट लाइनर्स. कुछ लोग होते हैं जो बड़ा जूम इन करके स्पेसिफिक काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजिक बिग पिक्चर तो देखते हैं, उनसे क्लरिकल या लेग वर्क नहीं होता. मर्द और औरत का भी यही हिसाब है. अगर मर्द हाकिम है तो मैं समझती हूँ उसकी छतरौल भी उतनी ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि जिसके KPI जितने ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है. तो आप इस बात की टेंशन क्यों ले रही हैं कि जी हम मर्द को हाकिम क्यों माने? भाईजान उसका हिसाब उसके साथ है, उसकी KPIs का जवाब उसने ही देना है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नाकसुल अकल का मतलब क्या है कि मर्द ऑब्जेक्टिव है, वो एक टाइम पे एक से ज्यादा डायरेक्शन में क्लियरली फोकस कर सकता है. मर्द कर सकता है जी. अच्छा, मर्द को अल्लाह ने लेटरल थिंकिंग की पावर दी है, पैरेलल थिंकिंग की पावर दी है. खवातीन जो है वो सब्जेक्टिव बेस्ड होती हैं, वो इमोशन से ज्यादा सोचती हैं, उनके अंदर लॉजिक का मादा जरा कम होता है जो उनको एक्वायर करना पड़ता है. अगर आपने लॉजिकल खवातीन देखी है फाद भाई, तो वो एक्वायर्ड लर्निंग है. इट्स नॉट पार्ट ऑफ देयर नेचर बट दे हैव लर्नड इट ओवर टाइम बिकॉज दे थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. राइट. व्हाइल आई थिंक जो साहिर साहब ने भी जो उस दिन कहा, उनका अगर मैं ऑटोप्सी करूं तो उनका एक्चुअली कहने का मकसद ये था कि बहुत सारी खवातीन ये सोच ही नहीं सकती कि उनको सीखना क्या है. आप मुझे खुद बताएं ना, हमारी जनरल पॉपुलेशन जो है वो मुकाबलेबाजी किस चीज़ पे करती है? कपड़ों जूतों पे,
औरतों की बात करें, औरतें इस चीज में मुकाबला करती हैं, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, किसने कल क्या खाया था वगैरह वगैरह पे। मैं भी करती हूँ इस तरह की बातें, मैं ये नहीं कह रही कि ये बुराई है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको इन बातों में उलझ के बिगर पर्पस को नहीं भूलना चाहिए। औरतें टेंड टू लूज दिस साइट ओवर टाइम, और अगर वो खवातीन जो प्रोफेशनली अच्छा कर रही हैं या जो अपनी फैमिली को अच्छा रेज करती हैं, उन्होंने मेहनत करके ये सीखा है। सही बात है, इकबाल का शेर है ना कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। लेकिन असल लॉस क्या है, कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता रहा, क्या हुआ? ये लॉस है, हम इस लॉस का शिकार हैं। द फॉल्ट कन्फेस्ड इज हाफ रीड्रेस्ड, इफ यू कैन नॉट कन्फेस इट हाउ ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू रीड्रेस द सिचुएशन। सही बात, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। हम इस मतलब बिल्कुल मीनियल झगड़े में पड़ जाते हैं कि आपने ऐसे क्यों बुला दिया हमें। मैंने कुछ दिन पहले ना सुष्मिता सेन एक इंटरव्यू दे रही थी, किसी को तो उन्होंने बताया कि जी मेरी बेटी को ना इस तरह स्कूल से फोन आया कि जी लड़ाई में मार कुटाई में कोई केस है तो आप आए फौरन। तो मैं गई और मैंने अपनी बेटी को पूछा कि आपने उसने मुक्का मार के ना उसकी नाक से खून निकाल दिया था लड़के की। तो कहती मैंने अपनी बेटी से पूछा कि आपने क्यों मारा उसको, तो कहती वो मामा वो मुझे स्टूपिड कह रहा था। तो उसने कहा कि बेटा वो जो भी कह रहा था वो उसकी चॉइस है कहना, जब आपने उसको रिस्पॉन्स दिया ना स्टूपिड का, इसका मतलब है आपने ओन कर लिया कि हां मैं स्टूपिड हूं, सही बात, या मैं नहीं हूं, सही बात। व्हाई डू यू इवन नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट, क्या बात। तो इतना गुलगुला सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर बन के मचाने की बजाय आप ये सोचें कि आपने करना क्या है। जब आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगी खवातीन, मेरा ख्याल है कि आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन फार भाई इतना कोई नारा क्लीशे है। जो आपका जो है ना फेमिनिज्म, इसका ठीक वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मैं इसको जरूर मानता हूँ, मगर फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि मर्दों की मंजी ठोकने पे हम लग जाएं। ये असल में मेरे ख्याल में ना एक गलत एलिमेंट है। देखिए आप जो कंपेटिटर समझ लेंगे ना, फार भाई एक शादी का इंस्टीट्यूशन है ना। आई हैव बीन मैरिड फॉर 6 इयर्स माशाल्लाह से, माशाल्लाह जी। मैं समझती हूँ कि आपको वन यूनिट जब तक आप नहीं बन रहे ना, आपकी जिंदगी बेजार तरीन ही गुजरेगी। सही बात, आपने ये समझना है कि सही है या गलत है, आपने उसको ओन करना है, आपने उसको ट्वीक करना है विद केयर ओवर टाइम, एंड अगेन इट विल टेक टाइम। मैं अक्सर आजकल अभी जैसे मीडिया हमारा जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो ड्रामास में दिखाते हैं कि लड़कियों की शादियां हुई वो पहले ही दिन एक्सपेक्ट करती हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी का हो जाए, एंड सेम गोज फॉर मेन एज वेल। मेन एज वेल, दोनों तरफ को ये समझने की जरूरत है कि ओवरनाइट पाए शब्द एक मुश्किल है, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, उसके बगैर आप कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट करें तो आप दुनिया के सबसे बड़े एक्सक्यूज माय फ्रेंच चुगद इंसान है। आपको अपने आप को पहले सीखने की जरूरत, देखिए शादी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हम जब ये कहते हैं ना वी स्वीप इट अंडर द रग, हमारा इसे थोड़ा पास कर लेंगे, हमारा ना कॉम हैसियत है कौम हमारा अलमिया ये है कि हम जो इम्पोर्टेंट बातें बात जिस पे करनी चाहिए वो हम स्वीप करते हैं अंडर द रग, कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें इस पे बात नहीं करनी, नहीं ये या तो ये रिलीजन का उसके ऊपर चोगा चढ़ा देंगे कि रिलीजन में अलाउड नहीं है। इस्लाम जैसा प्रोग्रेसिव रिलीजन तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, वो तो यहाँ तक भी कह रहा है, आपको इजाजत दे रहा है। अभी मैं और आमिर पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के ड्रामास में तलाक को इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दिखाया जा रहा है, हॉरिबल। अल्लाह ने तो कहा है अगर आपको नहीं समझ आ रही कुछ दे दिला के मामला रफा दफा कर दें, इट्स ओके, ओके, शिट हैपेंस, इट्स ओके, और इसमें कोई वो नहीं है। कम से कम वो सानिया जहरा के केस से तो बेहतर होगा ना। और फेमिनिज्म की जहां तक बात है, जिसको बड़ा तमाशा भी बनाया गया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी कह के, मैं ये समझती हूँ कि उनकी जो भी डेफिनेशन है, मैं ये समझती हूँ, मैं बहुत जगह ये फात भाई कोर्ट कर चुकी हूँ। देर वॉज अ केस इन टोबा टेक सिंह के आगे एक इलाका है वहाँ का, देर वॉज अ गर्ल, शी हैड द सेम प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, शी रिपोर्टेड टू हर मदर, दे वेंट टू सम डॉक्टर सम क्लिनिक देयर, उन्होंने कहा जी ये तो ऑपरेशन होएगा बच्ची का, इतनी दी शादी नहीं होगी तो बड़ा मसला पै जाएगा, ताड़ी बदनामी हो जाएगी। सही है, पेरेंट्स बेचारे गरीब थे, उस तरह से नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, वो डर के बेचारे शरीफ लोग, उन्होंने कहा अच्छा कर दें भाई ऑपरेशन कर दें, लेडी डॉक्टर साहिबा ने ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद उन्होंने 3-4 दिन डिस्चार्ज नहीं किया और बच्ची को बुखार होना शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा कि जी हमें बताएं कि क्या हो रहा है इसको, तो हो जाएगा ठीक हो जाएगा। 9 days passed एंड
द फीवर वॉज स्टिल देयर एंड दे वर नॉट डिस्चार्जिंग हर फ्रॉम द हॉस्पिटल. तो उन्होंने कहा जी कितना को बड़ा ऑपरेशन है जो आप डिस्चार्ज नहीं करें, हमें कोई फाइल वगैरह दिखाएं, हम किसी और डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं. उन्होंने कहा जी फाइल तो आपको नहीं मिलेगी. द पेरेंट्स हैड टू एस्केप फ्रॉम दैट हॉस्पिटल एट नाइट विद देयर डॉटर. दे फ्लेड अवे एक्चुअली. और वो उसको लेके एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में, इट्स अ बिग नेम डॉक्टर, जहरी बात है कोई उनके पास फाइल नहीं थी, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था कि हिस्ट्री क्या है, क्या केस के नोट्स हैं, क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, कंप्लेन क्या थी. बेचारे पेरेंट्स को भी बताना नहीं आ रहा था. 12 दिन हो चुके हैं उस लड़की की सर्जरी को. शी इज़ इन टू अ सेप्टिक शॉक. डॉक्टर्स हैड टू री ओपन हर एब्डोमेन ओनली टू फाइंड आउट देयर वाज अ टॉवल दैट वाज लेफ्ट इनसाइड. इन्ना लिल्लाह. एंड व्हेन दे रिमूव्ड इट फार भाई, 12 डेज हैड पास्ड एंड द टॉवल वाज स्टिल देयर. व्हेन दे रिमूव्ड इट, हाफ ऑफ हर स्मॉल इंटेस्टाइन was gone, गल चुकी थी वो. Most of her large intestine was gone and the whole body was into septic shock. Infection फैल चुका हुआ था. They had to keep the wound open for 3 days and her stomach also bursted. Her reproductive organs were also affected. She was passing stool from her open wound, open belly. 53 days of this agony and she passed away. This is what my definition of mera jism meri marzi is. That as a woman, aap gaon mein rehti hain, aap shahar mein rehti hain, aap padhi likhi hain, aap nahi padhi likhi hain, ye aapki zimmedari hai, aapki zimmedari hai. Aur wo maaye jo apne beton ko pump karti hain ke aurat pair ki jooti hai, isko padhne ka haq nahi hai. बेटी पैदा हो गई है तो बीवी को तलाक दे दो, अल्ट्रासाउंड में बेटी आई है तो बीवी को मार दो या बच्ची को मार दो. उन औरतों के लिए सिर्फ ये सोच लें, अगर आप मुसलमान होने का दावा करती हैं आप अल्लाह को क्या जवाब देंगी? और अगर आप ख़वातीन से इतनी नफरत करती हैं तो फिर आप अपना जेंडर चेंज क्यों नहीं करा लेती? मेरा डेफिनेशन ये है कि आपका ये हक भी है और अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ भी है कि आप अपनी बॉडी को खुद पढ़ें. कोई आपको क्यों टीच कर रहा है गलत बात? 53 दिन फहद भाई वो लड़की कैसे जी होगी और उसके पेरेंट्स कैसे जिए होंगे उसको देख के? और अब वो उसके मरने के बाद वो जिंदा रहे होंगे, चलती फिरती लाशें बन गई हैं वो तो. बिल्कुल, ये मैं और आप सिर्फ फील ही कर सकते हैं. लेकिन जब आप किसी अपने के साथ हॉस्पिटल में एक रात गुजार लें तो आपको छट्टी का दूध याद आ जाता है. सही बात. आपको सब समझ आ जाती है और वो भी उस वक्त जब आपकी जेब में इतने पैसे नहीं होंगे आप दवाई पूरी ले सकें. हर हेल्थ का यही मिशन है कि आपको आपके लिए जगाया जाए. This is your body, you have to take care of it, and also this is your mind, and your mental sanity is as important as your physical one. Right, right. We expect aapke sath aur auratein bhi is venture mein shamil hongi, and I hope is podcast ke baad aur auratein muzeed Miss Sana se jo hai na contact karengi. Aapko koi reach out karna chahe to kis tarah se reach out kiya ja sakta hai? Mujhe reach out karna chahe to mera Facebook aur LinkedIn open hai. हर हेल्थ के पेजेस भी मौजूद हैं. वी विल लीव दैट इन डिस्क्रिप्शन. प्लीज डू दैट. थैंक यू सो मच. हर हेल्थ का जो हर हेल्थ के साथ एक एसोसिएटेड जो प्लेटफॉर्म है लीडर्स क्लब, उसका एक ही मिशन है व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल से दैट यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक बाय नॉट मेकिंग इट मनी ओरिएंटेड. बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक मनी. माय मिशन इज टू have a 24/7 accessible free of cost mental health helpline for every Pakistani. MashaAllah. Through Leaders Club, which Zabarat. Obviously which will be supported by her health team. So usme psychologist, psychiatrist, mental health therapist baithe honge. Uska bhi ek trigger yahi tha ki maine Facebook pe ek group tha jisme mental health ke masle log apne share karte the. To main ek din uthi aur hamari kyunki bimari hai ki hum uthte hi subah pehle mobile check karte hain, जो कि नहीं करना चाहिए. लेकिन मैंने मोबाइल उठाया और फेसबुक खोला तो सबसे ऊपर पोस्ट आ रही थी 3 hours ago कि उस बंदी ने अपने मसले मसाइल कुछ बताए हुए थे फात भाई कि ये मसला है मेरी ज़िंदगी में, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. एडमिन प्लीज़ अप्रूव समबडी, प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई एम ऑन अ वर्ज ऑफ सुसाइड, आई माइट कमिट सुसाइड. 3 hours ago वो पोस्ट अप्रूव हुई थी. मैंने फ़ौरन से कॉमेंट्स खोले कि डिड समबडी रीच आउट टू हर, एंड देर वॉज एन अपडेट फ्रॉम द एडमिन कि मैं रात को ऑब्वियसली सोई हुई थी, ये पोस्ट 6 घंटे पहले की है, एंड वी जस्ट गॉट इन टच विद द फैमिली ऑफ द पोस्टर
एंड शी हैड कमिटेड सुइसाइड. ये ट्रिगर था कि वी हैव टू डू समथिंग. We have to do something. And it's not about making money. और मैं ये भी expect करती हूँ, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि लोगों ने तो 1122 को 115 को नहीं छोड़ा, prank calls कर करके आपकी टीम को डीमोटिवेट कर देंगे. कोई बात, हमने मैट्रिक में एक चैप्टर पढ़ा था फाद भाई, अदीब की इज्जत. हाँ. उसमें वो कमर साहब जो काली चाय पीते हैं वो कहते हैं कि चराग का काम जलना है. उसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचती है या उसके सामने दीवार है, चराग को उससे कोई मतलब नहीं है. राइट. तो शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं हिस्से की शमा कि अपने हिस्से की शमा जलाते हैं. अपना पार्ट जो है ना इंसान को प्ले करना चाहिए. आप फीमेल हैं, किसी भी जगह पे हैं, किसी भी पॉइंट पे हैं, अपनी कैपेसिटी के अंदर जितना ज़्यादा आप दूसरों को एजुकेट कर सकें ना, एज अ फीमेल और एज अ मदर, एज अ फादर, ये आपकी जिम्मेदारी है. जैसे मैं सना काम कह रही हैं, हर रेवोल्यूशन का आगाज़ जो है वो अवेयरनेस से स्टार्ट होता है. मुझे नहीं पता तब्दीली की डेफिनेशन क्या है, बट मिस सना को मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि तब्दीली आ चुकी है. मिस सना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक अबाउट इट. आई थिंक इट्स वेरी 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 काइंड एंड थॉटफुल एंड इनसाइटफुल ऑफ यू. जो लोग जो भी मर्जी आपको कहते रहे, वो ह्यूमर नहीं समझते तो वो मिसोजिनी कहते रहे उसको, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. व्हाट मैटर्स इट इज व्हाट एक्शंस आर यू टेकिंग इन योर लाइफ. तो आपका यहाँ आना, इस चीज़ के बारे में क्यूरियस होना, इंट्रीग्ड होना और मुझे इनकरेज करना कि इसी के बारे में बात करेंगे, इट शुड शो समथिंग एल्स. So I hope inshallah great. Allah Taala aapko kamyab kare aur aapko. Thank you bhai. Thank you so much. Thank you.